नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एक्सेस मॉडिफायर्स। क्या नाम बताया मैंने? एक्सेस मॉडिफायर्स। और एक्सेस मॉडिफायर्स को समझने के लिए मुझे आपकी पूरी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। एक्सेस मॉडिफायर्स, अगेन एज यूजुअल माई क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर्स? बताइए क्या होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स? ऐसे काम नहीं चलेगा यार, अगर आप बोलोगे नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। कुछ ना कुछ तो सोच करके बताओ क्या होते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है इसका, एक्सेस मॉडिफायर्स, यानी ये एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है। किसी क्लास को, किसी मेंबर को, मेंबर मतलब मेथड्स एंड वेरिएबल्स, किसी क्लास को, किसी मेंबर्स को कहां पर एक्सेस किया जा सकता है और कहां नहीं किया जा सकता, उसकी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है एक्सेस मॉडिफायर्स। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, जावा के अंदर जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो है डिफॉल्ट, वो है पब्लिक, वो है प्राइवेट, और फोर्थ वन इज प्रोटेक्टेड। इनमें से डिफॉल्ट को लिखना नहीं होता, बाकी सब लिखे जाते हैं, डिफॉल्ट को लिखना नहीं होता। अगर आपने लिख दिया तो कंपाइलर एरर देगा। इट मींस जब आप कुछ नहीं लिखते तभी इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सेस मॉडिफायर कौन सा है? डिफॉल्ट है। क्लियर? दो कैटेगरीज में हम इन एक्सेस मॉडिफायर्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर क्लास एंड एक्सेस मॉडिफायर फॉर मेंबर्स। मेंबर्स मतलब अभी अभी बताया था मैंने, मेथड्स एंड वेरिएबल्स को कहते हैं मेंबर्स। जो क्लास के अंदर जो मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर्स, राइट? क्लास के साथ जो एक्सेस मॉडिफायर्स यूज हो सकते हैं वो सिर्फ दो यूज हो सकते हैं, एक तो पब्लिक एंड डिफॉल्ट। जब आप कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब डिफॉल्ट, और पब्लिक बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। पब्लिक का रूल ये है, इट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, यानी जो क्लास पब्लिक है आप उसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपको क्लास बनाते वक्त लिखना पड़ेगा पब्लिक क्लास एक्स। अब आप इस क्लास को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द पैकेज। एक्सेस कहां हो सकते हैं डिफॉल्ट? सिर्फ पैकेज के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, डिफॉल्ट अपने पैकेज से बाहर नहीं जाते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने कोई क्लास बनाई क्लास एक्स और इसे पैकेज P1 में डाल दी मैंने, तो इस क्लास को मैं इस P1 पैकेज से बाहर यूज नहीं कर सकता। हां मान लीजिए ये P1 पैकेज है, इसके अंदर एक आपकी बनी क्लास एक्स, ये क्लास एक्स है, और एक क्लास इसी पैकेज के अंदर वाई है, तो इसी पैकेज की नोटपैड चाहे अलग अलग हो सकते हैं,
पैकेज मतलब वो जो अभी हमने पैकेज बनाने देखे हैं पिछली प्रेजेंटेशन में, उस पैकेज की बात कर रहा हूं, उस फोल्डर की बात कर रहा हूं, यानी उसी फोल्डर की कोई दूसरी क्लास है, उसी पैकेज की कोई दूसरी क्लास है वो इसे यूज कर सकती है। बट अगर ये क्लास डिफॉल्ट है तो पैकेज से बाहर आप इसे यूज नहीं कर सकते। अब आपको याद होगा कि मैंने जब पैकेज में क्लास को डाला तो यहां पे पब्लिक लिखा था। पब्लिक लिखने का पर्पस यही था क्योंकि मैं इस क्लास एक्स को इस पैकेज से बाहर यूज कर रहा था, क्योंकि जो वाई क्लास थी वो तो मेरी पैकेज में नहीं थी। अगर मैं पिछली प्रेजेंटेशन की बात करूं, पिछले वाली वीडियो की बात करूं, तो उसमें क्या किया था हमने, सिर्फ क्लास एक्स को पैकेज में मूव किया था, क्लास वाई तो पैकेज में नहीं थी। यानी वाई को यूज करना था एक्स का, और एक्स अगर डिफॉल्ट होती तो पैकेज से बाहर नहीं जाती, इसलिए मैंने क्या किया था, क्लास एक्स को पब्लिक बनाया था। पब्लिक मतलब एक्सेसिबल एवरीवेयर, पैकेज के अंदर भी इसे यूज किया जा सकता है, पैकेज से बाहर भी यूज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो क्लास के साथ दो ही एक्सेस मॉडिफायर यूज हो सकते हैं, या तो क्लास पब्लिक होगी या डिफॉल्ट होगी। अगर पब्लिक है तो आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक, अगर आप कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब इसे उस पैकेज से बाहर यूज नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर?